हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में खुशी खुशी ज़िंदगी जी रहे होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ना अपनी एक छोटी सी शॉपिंग दिखाती हूँ। ये जो शॉपिंग है, ये शॉपिंग मुझे समझ लीजिए सबसे ज़्यादा खुशी देती है। ये वो शॉपिंग है, मैंने अपनी माता रानी के लिए ना एक चंद्रिका ली, पहली बार ली चंद्रिका। और अभी तो मुझे ये भी नहीं पता है उनको आएगी भी या नहीं। और लड्डू गोपाल के लिए ना मैंने ये सर्दियों के कपड़े लिए हैं। मतलब मुझे ना ये जो चीज़ है ना, सच में बहुत खुशी देती है। मुझे अपनी शॉपिंग से ज़्यादा ना अपने भगवान जी के लिए चीज़ें लेना बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है मुझे। मेरे को एक है ना पॉजिटिविटी मिलती है इस चीज़ से, समझ लीजिए। मतलब मेरी एनर्जी जो है ना, मुझे यहीं से मिलती है इन चीज़ों से। जब मैं अपने प्रभु के लिए कुछ लेती हूँ, करती हूँ, अपने से आगे उनको रख के चलती हूँ ना, तो वो मुझे बहुत खुशी देता है। तो आज मैं बना रही थी दाल चावल, बहुत ही अलग तरीके से प्लेटिंग करेंगे इसकी, खाने में मज़ा आएगा। मतलब कोई भी चीज़ होती है ना, चाहे कितनी भी सिंपल आप बना लो, लेकिन अगर उसको आप थोड़ा सा अच्छे ढंग से रख लेते हो ना प्लेट में, तो मज़ा ही अलग हो जाता है। मतलब उस चीज़ को खाने का एक तो कहते हैं ना एक्साइटमेंट सा बढ़ जाता है, और देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। तो जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है, ऑब्वियसली वो पहले से ही मन को भा जाती है, खाने में तो अच्छी लगेगी ही। तो दाल चावल तो वैसे भी ना सबसे अच्छा और देसी खाना है। कहते थे ना पहले के टाइम में कि दाल रोटी खाना, प्रभु के गुण गाना, ऐसे वाला। कि दाल जो हमारी बेसिक नींव है, ये चीज़ें तो हमारे बड़े बूढ़े बहुत प्रमोट करते थे। तो मैं जो है ना चावल मैंने बना लिए थे। चावल जो मैंने बनाए थे ना, वो थोड़े से खड़े मसाले डाल के बनाए थे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर सा आ जाता है उसमें ना। मैं इंडिया गेट के राइस यूज़ करती हूँ, रोज़ाना वाले जो आते हैं ना बासमती, रोज़ाना बासमती राइस। मतलब फुल राइस मैं यूज़ नहीं करती, थोड़ा टूटा हुआ ही करती हूँ। तो मिर्ची ख़त्म हो गई थी, लाल मिर्ची, वो भी मैंने मंगा ली थी पैकेट। ये पता नहीं कौन से ब्रांड का लेके आ गया था, तो मैंने कहा चल ठीक है यार, अब जो आ गया। दाल मैं बना लूँगी, दाल में मस्त एक तड़का, सिर्फ टमाटर और जीरा और हींग, बस यही तड़का लगाएंगे। ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती मैं दाल में ना, बहुत अच्छी बनती है। फिर मेरे को सबसे प्लस पॉइंट हो जाता है कि मैं भोग भी लगा देती हूँ। अगर मैं उसमें प्याज लहसुन डाल देती हूँ ना, तो फिर मेरे को सोचना पड़ता है, और फिर मेरा मन भी अंदर से ना थोड़ा सा मानता नहीं है इस चीज़ के लिए कि मेरे लड्डू गोपाल क्या खाएंगे, फिर खाली चावल खिलाने पड़ेंगे उनको। इसलिए ना मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम चीज़ों में जो है ना, सब्जियों में मैं प्याज यूज़ करूँ। बहुत मतलब ऐसा होता है ना कि नहीं, अब तो मुझे यूज़ करना ही पड़ेगा यार, ये सब्ज़ी तो बिना प्याज लहसुन के तो बन ही नहीं सकती, तो फिर एक अलग बात हो जाती है। कभी कभी चलता है, उतना भी है ना किसी चीज़ को लेके ना, वो होना नहीं चाहिए। कभी ऐसा नहीं है कि नहीं यूज़ करूँगी कभी भी, मैं ऐसा कुछ अपने अंदर ना सोचती नहीं। जैसी उनकी इच्छा, प्रभु की मर्ज़ी जैसी, मैं वैसे चलती हूँ। कहते हैं ना जिस जैसे राखे राम राखे वैसे ही रहिए, वो कहावत आपने सुनी ही होगी, थोड़ी सी मैं गड़बड़ा गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने रायता भी बना लिया था बूंदी का इसके साथ, और बूंदी के रायते की क्लिप जो है वो मिस हो गई, पता नहीं चला मुझे, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो है मैंने बूंदी का रायता बना लिया था, सिंपल तरीके से बनाया था। बस उसमें दही ली थी और जो जीरा होता है भून के वो डाल लिया था, नमक और बूंदी, बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं डाला मैंने। तो यहाँ पे जो है ना मेरे दाल चावल तैयार हो गए थे, और मैंने देखी प्लेटिंग कितने अच्छे तरीके से करी है। बीच में एक छोटी सी कटोरी रख दी थी चटनी वाली, और साइड में अच्छे से जो है वो लगा दिया था, चावल डाल दिए थे, और हो गई मेरी प्लेटिंग। तो आ गई थी अंदर खाना लेके अपने लिए, बहुत ही टेस्टी सच में ये दाल चावल बनके तैयार हुए थे। तो यहाँ मेघा से कुछ बात कर रही थी, उसके बाद हो गई थी शाम, और शाम की जो है चाय बना रही थी। चाय मेघा भी पिएगी और मैं भी, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा बनाई थी। और यहाँ पे जो ना मैंने ब्रेड के ऊपर मलाई लगा ली थी, लोग तो ब्रेड बटर खाते हैं, बट हम मलाई बटर, मलाई और क्या बोलते हैं इसको, ब्रेड खाते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरी चाय भी तैयार हो गई थी, और चाय लेके अंदर आ गई थी, बट कुछ बात कर रही थी मेघा से, थोड़ा सा ना गुस्सा सा आ गया था मुझे किसी बात पे, तो बस उसी वजह से थोड़ा सा मैं उसको कुछ कह रही थी, और अब आ जाऊँगी, चाय इन्जॉय करूँगी। आप भी पी लीजिए चाय, आ जाइए।
अब हो चुकी थी, शाम की पूजा का जो है टाइम हो चुका था और चाय वगैरह पी के थोड़ी देर मैंने रेस्ट करा। उसके बाद मैं पूजा की तैयारी में लग गई थी अपनी, जो मेरी शाम की पूजा होती है। मैंने एक्चुअली है ना कुछ पाठ उठाया है और बाबा की कृपा से बस वो पूर्ण हो और मैंने पाठ शुरू किया है अभी करना, और पूजा पाठ अभी कर लूँगी थोड़ा सा। और बताइए आपको मेरी माता रानी कैसी लग रही है, सबसे पहले मुझे यही बताइएगा कमेंट करके मेरी माता रानी जी कैसी लग रही हैं। कहते हैं कि आप कितनी भी परेशानियों से लड़ रहे हो, कितनी भी परेशानी हो, अगर आपको सच्चा विश्वास है ना अपने प्रभु पे, तो वो आपको हर परेशानी से, हर मुश्किल से खींच के निकाल ही लेंगे। मेरा भी कुछ विश्वास ऐसा ही है। शायद तभी इतनी दिक्कत आने के बाद, इतनी परेशानियाँ मेरी ज़िंदगी में आने के बाद भी ना, बस ये समझ लीजिए कि मेरे ना अंदर शायद यही है जो मुझे एक कहते हैं ना हिम्मत देते हैं हर एक चीज़ से चलने की, हर एक चीज़ से लड़ने की, अपनी सिचुएशन से लड़ने की, बस ये मुझे हिम्मत देते हैं। और एक चीज़ की हमेशा बस यही कहती हूँ कि बाबा मुझे रास्ता दिखाएं हर एक चीज़ के लिए। मैं नहीं कहती मुझे क्या चाहिए, बस वो मुझे राह दिखाएं। चलिए आ जाते हैं इस वीडियो के एंड पर, मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।